वेलकम टू टेस्टी बाइट्स फ्रॉम होम। आज मैं आपके लिए पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस होती है, बनाने में आसान भी है। और लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए हमें 2 चम्मच बेसन को भूनना पड़ेगा। मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, थोड़ा लाइटली ब्राउन जैसा हो जाए, गोल्डन, उसको निकाल लीजिएगा। फिर 1 कप में हम दही लेंगे, 1 कप। थोड़ा बड़ा बाउल लीजिएगा क्योंकि इसमें हम बाकी सब्जियां भी मिक्स करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। फिर इसमें अपना 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। फिर थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक 1/2 टीस्पून। इसमें फिर हम लोग अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स एंड तंदूरी मसाला ज़रूर डालिएगा, ब्लैक पेपर और भुना जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इस मसाले में। फिर इसमें गरम किया 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है टिक्का मसाला में, आप ज़रूर डालिएगा। इस पे इस सबको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या है इसको, तो उसमें जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहें, जैसे शिमला मिर्च, हरी वाली, येलो, मेरे पास थी रेड नहीं थी, अगर आपके पास रेड हो तो आप वो भी डालिएगा। थोड़े से प्याज डालेंगे और पनीर के क्यूब्स डालेंगे, जो थोड़े बड़े कट करिएगा, बहुत स्मॉल नहीं, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो टूट जाएंगे। इन सबको हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड करते हुए मिक्स करिए। ये जब सारी कोटिंग अच्छे से हो जाए तो इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ट्राई करिएगा, मैं अवॉइड करती हूँ फूड कलर। इन सबको मिक्स करिए अच्छे से। फिर इसको हम लोग 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। जब सारा फ्लेवर हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा खाने में। अब एक पैन लेंगे, आप चाहें तो स्क्रूवर के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ये इजी वे है बनाना, जब आप बड़े गैदरिंग के लिए या अपने पूरे परिवार के लिए बनाना चाहते हैं और ग्रेवी बनाना चाहते हैं। तो इन सबको ऐसे सब हॉट तवा पे ऐसे स्प्रेड करेंगे। कढ़ाई मत लीजिएगा, कोई तावा ही लीजिएगा ताकि एक एक वेजिटेबल और पनीर अच्छे से उसमें रोस्ट हो सके मीडियम फ्लेम पे। इन सबको देखिए ऐसे, इसको करने में 7 से 8 मिनट लगेगा और इसको बीच बीच में से चलाते रहिएगा ताकि चिपके ना। देखिए स्लाइटली ब्राउन होने लगा है नीचे से। अब एक दूसरा पैन देंगे, उस पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 कप चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। इस ऑनियन को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ऐसे रोस्ट करेंगे जब तक हमारा दूसरी साइड तावा पे टिक्का मसाला रोस्ट हो रहा है। उसके बाद इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टोमेटो प्यूरी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे और इसमें फिर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़े मसाले डालेंगे जिसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, आप ट्राई करिएगा। सब मसालों को अच्छे से डाल करके इनको हम लोग मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इसको भूनेंगे। देखिए इसको ऐसे अच्छे से भूनिएगा। इसको आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। अब जब मसाला भून जाएगा तो हम इसमें जो हमने टिक्का मसाला, पनीर और वेजिटेबल रोस्ट किया था, उन सबको मिक्स कर देंगे इस मसाले में। और क्या कहते हैं कि इसको धीमे हाथ से ऐसे हल्के से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इसको भी 1-2 मिनट तक ऐसे रोस्ट करेंगे ताकि सारा मसाला हमारे पनीर और सब्जियों में अच्छे से हो जाए। इसमें मैंने 1 टमाटर का सीड निकाल करके चॉप करके डाला है, जस्ट कलर के लिए, अच्छा लगेगा देखने के लिए। उसमें फिर हमने 1 कप वाटर डाला है। वाटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना थिक ग्रेवी आप चाहते हैं उस हिसाब से, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है तो थोड़ा सा वाटर आप ज़्यादा डालिएगा ताकि आपकी ग्रेवी बाद में बहुत थिक ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये देखिए ऑयल रिलीज हो गया है और कितनी सुंदर अपनी टिक्का मसाला की ग्रेवी तैयार हुई है। आप इसको नान और राइस के साथ साथ, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू रेसिपी। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।